फरीदाबाद में सांसद दीपेंद्र हुड्डा और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में मशाल यात्रा निकाली गई। इस मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि मशाल यात्रा में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के ऊपर जलती हुई मशाल गिर गई। उदय भान उस वक्त सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल बराबर में थे, जिसके चलते दीपेंद्र हुड्डा भी बाल बाल बचे। बाद में उदय भान ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अति उत्साह के चलते कई बार छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बिल्कुल ठीक हैं। देखिए संवाददाता प्रेम खान की खास रिपोर्ट। केवल उन्होंने मांग करी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उन्होंने एक ही मांग करी कि भाजपा के इस भ्रष्टाचार, बड़े उद्योगपति घरानों को फायदा लाभ पहुंचाने के लिए सरकारें झोंक दी गई, प्रदेश सरकार है बीजेपी, उस भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हो। क्या उस भ्रष्टाचार की जांच की मांग करना देश हित में है या देश हित में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये जांच होनी चाहिए। आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जांच बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच ना हो, ये कहाँ कहाँ का राजहित में, जहाँ जहाँ राजहित की बात आएगी और भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी और विशेष तौर से हरियाणा युवा कांग्रेस समझौता हम नहीं करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, विश्वास दर्शन देना चाहते हैं, कांग्रेस की आवाज दबा नहीं सकते और ये सत्य की आवाज है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। ये हमारा आज का जो कार्यक्रम था वो ये था। हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश में विपक्ष में कहीं भी अगर कोई मुखर आवाज भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती है, भाजपा के खिलाफ उठती है, इनके भ्रष्टाचार की जांच के लिए उठती है, उस विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकारी तंत्र हमलावर हो जाता है। हर प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने के आरोप लगते हैं। ये सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, आप कितने भी जो तानाशाही सरकार चलाना चलाओ, ज्यादा दिन नहीं बचा है, पूरा देश का जनता राहुल जी के तरफ किस तरीके से जो 12 जोड़ो यात्रा में जो 120 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ कन्याकुमारी में, कश्मीर आते आते लाखों लोग समर्थन दिया, तब से इनको समस्या हुआ। राहुल जी ने जो सवाल पूछा 20,000 करोड़ किसका है भाई, जो सेल कंपनी में इन लोग ने डाला है वो किसका पैसा है बताना, बट सरकार उसको बोलने के अलावा पूरा दुनिया में घूम फिरा के फिर कहीं ना कहीं इस देश का युवा नो बेरोजगारी के बारे में बात करेगा उसको सुनने को तैयार नहीं है, महंगाई को सुनने को तैयार नहीं है, और इनका कहना है हिंदू खतरे में। भारतीय जनता पार्टी का आगे आने वाले चुनाव में सूपड़ा साफ होने वाला है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये संकेत है कि अपने आप को संभालें, कि जिस तरह से आप लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ, जिस तरह से जो संविधान को बचाने के लिए जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो खड़ी की गई थी उनके साथ जो आप खेल खेल रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष के साथ खेल खेल रहे हैं, ये आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। राहुल जी का जो तपस्या, जो संघर्ष, जो 4,000 किलोमीटर की यात्रा और जो उन्होंने सवाल उठाए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो उन्होंने सवाल उठाए हैं इस देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, हमारे जो हमारे सांप्रदायिक ताने बाने को बिगाड़ने के खिलाफ, इन सब का जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा और भाजपा का सूपड़ा साफ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।